यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं फ्री फायर के कस्टम मैच में 2v2। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गाइस, जो सामने दो बंदे हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे खेलते हैं। अच्छा, तो देखते हैं क्या हम लोग उनसे बुइया कर पाते हैं कि नहीं। काफी ज्यादा मजा आने वाले आज के गेम के अंदर। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ठोक देना। चैनल पे नया हो फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। पहले राउंड में मैंने ले लिया यहाँ पे AR-94 और बंदे कुछ मेरे हिसाब से इसी साइड से आएंगे, तो अपने चलते हैं भाई इधर से। एक बंदा का वो रहा, हेड मारने का ट्राई किया, हेड लगा नहीं। और एक भाई ये अपने इतना ज़्यादा क्लोज में आ गया और भाई इसको काफ़ी तगड़ा वाला हेड मार के मैंने कर दिया है ख़त्म। और इसके पास भी गाइस AR-94 था और इस बंदे ने भाई स्काइलर का यूज़ किया और अपने को भाई हेड मार दिया। चलो गाइस भाई जल्दी आ जा, एक बंदा मेरे को भाई ये पूरा फिनिश करेगा। पूरा कवर करके बैठ गया भाई। वाल तोड़ के मार भाई, क्या कर रहा है तू भी ये भाई। इधर से उधर इधर से उधर। अरे भाई सिर्फ वॉल लगाने से नहीं होगा, वॉल तो अच्छा लगा रहा है लेकिन उसको मार तो सही। ये देखो भाई गाइस, मेरे को पता था भाई ये बंदे से नहीं हो पाएगा। मतलब ये सिर्फ वॉल लगा रहा था, मूवमेंट दिखा रहा था अपना। भाई ऐसे थोड़ी बंदे मरेंगे, तेरे को मारना भी पड़ेगा सामने वाले को। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अभी इन लोगों को दूसरे राउंड में बताएंगे। हम लोगों का यहाँ पे हो चुका है 0 पॉइंट और उन लोगों का हो चुका है 1 पॉइंट। उन लोगों ने गाइस स्टार्टिंग में ही अपना खाता खोल लिया है। और यहाँ पे गाइस अभी मेरे पास है MP5 और सामने से आ रहे हैं बंदे, थोड़ा सा ओपन में आने दो, उसके बाद इन लोगों को देते हैं भाई MP40 का फटका। भाई तू भी थोड़ा होल्ड करके खेल, तू भाई इतना ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहा है। फिर से डाउन हो गया भाई, ख़त्म भी कर दिया लोग। क्या पता भाई ये कैसे खेल रहा है। गाइस यहाँ पे दोबारा से सिचुएशन क्रिएट हो गया है 1v2 का, मतलब ये पहले ही भाई ख़त्म हो जा रहा है। उस राउंड में इसके पास मौका था मारने का इतना अच्छा, लेकिन ये कुछ नहीं कर पाया। यहाँ से गाइस एक बंदा आ रहा है, रुको गाइस थोड़ा सा मेरे को ध्यान से खेलना पड़ेगा। यहाँ से एक बंदा है, इसको मैंने हेड मार के कर दिया डाउन। और एक बंदा मेरे हिसाब से इस साइड जा रहा है, ये गाइस इसको भी 34 का हेड लगा है, लेकिन 34 के हेड से उतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको मैंने किया है पूरा फिनिश, नहीं तो भाई वो इसको रिवाइव करता तो थोड़ा और दिक्कत हो सकता था। और गाइस इसने मेरे को वन टैप मार दिया भाई, काफ़ी तगड़ा वन टैप मारा। और गाइस ये लोगों ने बैक टू बैक भाई 2 राउंड हम लोगों से एक तरीके से कहा जा सकता है छीन लिया है। हमारा हो चुका है भाई 0 पॉइंट और इनका हो चुका है 2 पॉइंट। मेरे हिसाब से गाइस आज के मैच में काफ़ी तगड़ी फाइट होने वाली है। ये लोग हम लोगों को काफ़ी तगड़ा टक्कर देने वाले हैं। देखते हैं क्या हम लोग इनसे बुइया कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पर ड्रॉप गिरा है, सबसे पहले देखते हैं ड्रॉप के अंदर क्या है। ओम है, चलो ठीक है। और अभी गाइस मेरे पास है MP40 और ओम। एक बंदा इधर है मेरे को दिख चुका है, इसको मारते गाइस। इसको मैंने मार के कर दिया है डाउन, पूरा फिनिश करूँगा। और गाइस अब सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है, अपना टीममेट्स के पास में ही होगा मेरे हिसाब से। ये रहा भाई, भाई वॉल लगा लिया, नहीं तो गाइस इसको हेड लगने वाला था। ये रहा गाइस, अभी इसको 165 का लगा। और ये बंदे को भी मैंने MP40 से मार के कर दिया ख़त्म, मतलब उतना ज़्यादा दूर था। उसके बाद भी मैंने सोचा भाई 165 का लग गया है, MP40 से ही मारते हैं। और गाइस हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया अपना ओपनिंग, हमारा हो चुका है 1 पॉइंट। और अभी भी हालांकि वो लोग 1 पॉइंट से लीड में हैं, लेकिन गाइस अपने को ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत है नहीं। ध्यान से खेलेंगे तो भाई कोई 1 पॉइंट की लीड नहीं होती भाई, आराम से खेलो बस, हम लोग जो है लीड में आ सकते हैं। ठीक है, अभी तो मतलब पॉइंट इक्वल होगा अगर हम लोग ये राउंड जीते तो। एक बंदा ये रहा, इसको मैंने मार के कर दिया डाउन। लास्ट में 103 का हेड भी लगा और पूरा फिनिश करते हैं। और गाइस अब सिर्फ सामने एक बंदा बचा है और वो रहा भाई ग्रीन वॉल लगा रहा है। अभी गाइस इसको बताते हैं, मेरे पास है भाई दूर के लिए मैंने लिया है स्कार और शॉर्ट रेंज में ले लिया है MP40। तो गाइस लॉन्ग रेंज में अगर बंदा दिखता है तो हम लोग स्कार का यूज़ करने वाले। कहाँ पे भाई, जल्दी दिख जा। ये रहा बंदा, अभी इसको मैंने डैमेज दिया है लेकिन कुछ खास डैमेज गया नहीं। और अपना टीममेट्स इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज में है, उसके बाद भी भाई ये इस साइड से निकला है। चल भाई जितना निकलना है निकल ले गई, ये जितना इधर से उधर कर रहा है ना इसको करने देते हैं। अभी देखते हैं भाई ये क्या ही कर लेता है। अभी ये अकेला बचा और हम लोग भाई दोनों जाने इसको भाई दौड़ा दौड़ा के खोज के मारेंगे। देखो ये सिर्फ भाग रहा भाई इधर से उधर इधर से उधर। और इसने गाइस काफ़ी तगड़ा हेड मार दिया भाई, मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था। और इसने भाई बहुत ही तगड़ा हेड मारा है भाई, इसको मारना पड़ेगा गाइस। देखते हैं क्या हमारा किन्नर इसको मार पाता है कि नहीं। और इसने भी इसको काफ़ी तगड़ा हेड मार के कर दिया है ख़त्म। बहुत बढ़िया मेरे भाई।
और गाइस यहाँ पे अभी हम लोगों ने कर लिया है 2 पॉइंट से बराबरी, उनका भी हो चुका है 2 पॉइंट, हमारा भी हो चुका है 2 पॉइंट। अभी अपने पास मौका है कि हम लोग जो है यहाँ पे लीड ले सकते हैं। गाइस मैं मतलब कुछ ज़्यादा यार ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था और उस बंदे ने भाई काफ़ी तगड़ा हेड मारा था। अच्छा हमारे टीम मेट्स ने भाई उसको मार दिया। चलो गाइस देखते हैं अभी और बंदे कहाँ पे, मतलब और बंदे नहीं यही बंदे कहाँ पे, इधर ही फाइट हो रहा है तो हम लोग भी चलते हैं इनके शॉर्ट रेंज में। एक बंदा डाउन है और इसका ये रहा भाई, इसको रिवाइव करने आया है। यहाँ पे स्काइलर तोड़ते हैं और इसको भी मारते हैं। और गाइस इस बंदे को भी मैंने MP40 से मार के कर दिया ख़त्म भाई। अभी हम लोगों ने लिया है बदला गाइस। इससे पहले वाले राउंड में इसी बंदे ने हम लोगों को 1 टैप मारा था। अभी भाई पूरा बदला हुआ पूरा। और गाइस अभी मैंने ले लिया है डबल बैरल और MP40, दोनों ही शॉर्ट रेंज की वेपन है क्योंकि भाई कस्टम के अंदर शॉर्ट रेंज में ही मैच होता है। और गाइस ये रहा भाई, एक बंदा एकदम मेरे सामने आ चुका है और इसको MP40 से मारने का ट्राई किया लेकिन गाइस हेड लगा नहीं और इसने मेरे को डबल बैरल से काफ़ी तगड़ा वाला हेड मार के कर दिया ख़त्म। और अपना टीममेट भी हो चुका है ख़त्म। गाइस इन लोगों ने दोबारा से कर लिया है पॉइंट्स को इक्वल। ये लोग भी भाई हार मानने को रेडी नहीं और हम लोग भी भाई हार इतनी जल्दी नहीं मान सकते। और अभी गाइस कहाँ है ये रहा। अभी गाइस इस राउंड में तो भाई पूरा ट्राई करूँगा कि इस राउंड को हम ही लोग जीतें। तो देखते हैं क्या हम लोग यहाँ पे इस राउंड को जीत पाते हैं कि नहीं, क्योंकि सामने बंदे कैसे हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को खुद पता है। काफ़ी तगड़े बंदे खेल रहे हैं वो दोनों भी। और अभी गाइस दोनों के दोनों जो है वॉल के पीछे हैं, कवर लेके बैठे हुए हैं। और एक बंदा मेरे हिसाब से इस साइड से आ रहा है, ये रहा। और गाइस ये रहा बंदा, इसको मैंने काफ़ी तगड़ा हेड मार के कर दिया डाउन और फिनिश भी हो चुका है, सही है। और दूसरा वाले बंदे को अपने टीममेट से मार के कर दिया ख़त्म। और गाइस इस राउंड में हमने जो है दोबारा से ले लिया है 1 पॉइंट से लीड। तो देखते हैं क्या ये लीड मेंटेन रह पाता है या फिर इस राउंड में ये लोग पॉइंट्स को कर देते हैं इक्वल। अगर गाइस ये लीड मेंटेन रहता है, हम लोग इस राउंड को जीतते हैं तो हम लोग जो है 2 पॉइंट से लीड में आ जाएंगे। उनके सामने वाला के एक बंदा हो चुका है ख़त्म, हमारे टीममेट्स ने मार दिया है और सिर्फ अब एक बंदा बचा है, उसको भी मार दिया भाई। बहुत ही तगड़ा खेलने लग गया भाई ऐसे महज जोश में आ गया, सही है भाई ऐसे ही खेल। और गाइस अभी हमारे पास हो चुका है 2 पॉइंट की लीड और ये लोग जो है गाइस 2 पॉइंट से हो चुके हैं पीछे। स्टार्टिंग में भाई ये लोग ने 2 पॉइंट से लीड लिया था और अभी हमारे पास लीड है। लेकिन भाई मैंने तेरी तारीफ क्या कर दी भाई, तू पहले ही जाके डाउन हो गया। ये रहा गाइस एक बंदा, इसको हेड मारने का ड्रैग करने का ट्राई किया था लेकिन ये जो है पहले ही वॉल लगा लिया। अभी गाइस इसको 93 का हेड लगा और ये बंदा हो चुका है डाउन। सबसे पहले गाइस चलते हैं इसके शॉर्ट रेंज में। एक बंदा गाइस ये रहा, मेरे को पता था भाई ये जो है इसके क्लोज में आके इसको रिवाइव करने का ट्राई जरूर करेगा। ये रहा गाइस इस साइड से आ रहा है, सही है भाई इस साइड से तू आएगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गाइस एक बंदे को हम लोगों ने यहाँ पे डाउन करके रखा, इसको फिनिश कर लेते हैं। अब तू किस साइड से भी आ भाई, इतना अच्छा भाई वॉल डाल के चाहता तो रिवाइव कर सकता था लेकिन भाई नहीं किया। और गाइस मैं यही सोच रहा था कि अगर ये वॉल डाल के रिवाइव करता है तो उसका भी फ़ायदा उठा के हम लोग मार सकते हैं। पीछे हट गया भाई, इसको गाइस अभी जो है हेड लगाए और बंदा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है डैमेज। मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर पूरा रस कर दिया जाए। और ये रहा भाई बंदा, रुको गाइस थोड़ा सा अपने को ध्यान से खेलना पड़ेगा नहीं तो पता चलेगा भाई पिछले राउंड की तरह भाई अपने को 1 टैप मार दे, क्योंकि भाई 1 टैप ये लोग काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मार रहे हैं। ये रहा गाइस, इसको मैंने दोबारा से दिया डैमेज लेकिन मेरे हिसाब से उतना कुछ खास डैमेज गया नहीं इस बार। भाई ये पूरा कवर में रह के खेल रहा है, तुरंत वॉल लगा रहा है। चलो गाइस देखते हैं इस राउंड को कौन निकाल पाता है। मैं भी अकेला बचा हूँ, ये भी अकेला बचा और इसने गाइस काफ़ी तगड़ा मेरे को डैमेज दिया, इसने मेरे को हेड मारा है। सबसे पहले अपना हेल्थ इंक्रीज़ करते हैं और उसको भी हमने डैमेज दिया है लेकिन उतना कुछ खास डैमेज नहीं गया। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इस साइड से चलते हैं और भाई ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इस साइड से एकदम मज़े में हेल्थ अपना इंक्रीज़ कर रहा हूँ और पता चले भाई वो बंदा आ गया, लेकिन मेरे हिसाब से वो इधर है, हाँ दिख गया। और अभी गाइस मेरे हिसाब से वो इस साइड से आने का ट्राई करेगा, ये रहा भाई मेरे को पता था वो इसी साइड से आने का ट्राई करेगा लेकिन थोड़ा सा गाइस हम लोगों ने जल्दीबाजी किया, उसको आने देना चाहिए था उसके बाद मारना चाहिए था। ये रहा गाइस बंदा, इसको इस बार भी नहीं पता चला भाई कि हम लोग इस साइड से आ चुके हैं। और गाइस अभी इसको मैंने मार के कर दिया ख़त्म और यहाँ पे गाइस अपने पास हो चुका है 3 पॉइंट से लीड। अगर हम लोग इस राउंड को निकाल लेते हैं, मतलब जो नेक्स्ट राउंड है, तो गाइस यहाँ पे हमारा हो जाएगा बुइया। और अगर इस राउंड को वो लोग जीत जाते हैं तो भाई हम लोग हारने वाले नहीं है, अपने पास और मौके आने वाले हैं क्योंकि गाइस हम लोगों के पास आ चुका है 3 पॉइंट से लीड, ठीक है। और गाइस मैं सोच रहा हूँ इसी राउंड में इन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए। ये रहा भाई, एकदम आराम से खेल भाई, ज़्यादा जल्दीबाजी मत कर, इसी राउंड में इन लोगों को निपटा डालते हैं। ये लोग भाई कुछ ज़्यादा ही
तगड़ा दिखा रहे थे ना भाई कि हम लोग कुछ है ही नहीं। रुक जा भाई, ये रख, मतलब तगड़ा तो खेल ही रहे हैं भाई, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन भाई इतना भी ज़्यादा तगड़ा नहीं खेल रहे कि भाई अपने को हरा दें। ये भाई अभी इसको मैंने काफ़ी तगड़ा वाला दिया है डैमेज, और दोनों बंदे भाई मेरे ऊपर ही टूट पड़े एकदम से, और मेरा टीममेट्स भी भाई हो चुका है ख़त्म। मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई कुछ थोड़ा सा रुक के खेल लें, और गाइस एक बंदा हो चुका है डाउन। सबसे पहले मेरे को अपना हेल्थ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और साथ में देखना भी पड़ेगा कि वो बंदा है कहाँ पे। ये देखो गाइस, एक गोली अगर अपने को छू भी गई होती ना तो यहाँ पे हम लोग हो गए होते ख़त्म, क्योंकि उसने स्काइलर का यूज़ किया था और काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया था। और अभी गाइस उसके पास मौका है भाई अपने बंदे को रिवाइव करने का, और उसने रिवाइव भी कर दिया है, और भाई मार दिया। गाइस गलती हो गई भाई, अपने टीममेट भाई पहले ही ख़त्म हो गया था, नहीं तो हम लोग इसी राउंड में इसको आराम से मार देते। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा अब इन लोग पॉइंट नहीं कर पाएंगे। इन लोगों का ये लास्ट राउंड था, अब गाइस हम लोग भाई जीत जाएंगे, क्योंकि इस बार मैं इनको नहीं छोड़ने वाला हूँ। और भाई तू भी थोड़ा सा ध्यान से खेल, ज़्यादा जल्दीबाजी मत कर। और गाइस मैंने जो है यहाँ पे बंदे को डैमेज तो दिया है, लेकिन कुछ खास डैमेज गया नहीं है। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इनके शॉर्ट रेंज में जाया जाए, और MP40 से मारा था भाई, काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया इस साइड से। इस साइड से कहाँ से मारा मेरे को पता ही नहीं चला। रुको, ये रहा गाइस बंदा अभी भाई इसके शॉर्ट रेंज में मैं आ गया। मैं सोचा वॉल के पीछे कोई नहीं होगा, और वॉल के पीछे ये था भाई, काफ़ी तगड़ा अभी डैमेज किया बंदे को, लेकिन अभी गाइस वो जो है कवर ले चुका है, इस साइड में हट गया है। चलते हैं इसके शॉर्ट रेंज में और अभी इसको बताते हैं। और गाइस ये रहा बंदा, अभी इसको मैंने कर दिया खत्म। और गाइस इसी के साथ हमारा हो चुका है यहाँ पे बुइया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नया अपनी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।